अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगा कि आपका अगर यूपीआई का अकाउंट ब्लॉक हो जाए तो फिर आप उसको कैसे ओपन करेंगे। जैसे ये देखें, मैंने पिन कोड दो तीन दफ़ा गलत मिलाया है, आप ये ब्लॉक हो गया। या मैं पिन कोड मिला रहा हूँ, ये देखें, आप ये कहेगा ब्लॉक है आपका अकाउंट। ये देखें इनकरेक्ट, अगर दो तीन दफ़ा मैं गलत मिलूँगा तो फिर ये ब्लॉक हो जाता है ऑटोमेटिकली। ये इनकरेक्ट इनपुट, ये बेसिकली मैंने गलत मिलाया है तो ये बेसिकली मेरा ये अकाउंट जो है ना ये ब्लॉक हुआ पड़ा है। तो आप ये इसको आप किस तरह फिर यानी कि लॉगिन करेंगे, इसका जो तरीका है ये देखिए, अकाउंट ब्लॉक ड्यू टू इनकरेक्ट पिन कोड जो मैंने लगाया है। तो आप इसको फॉरगेट करेंगे, फॉरगॉट एमपीएन वो ब्लॉक हो गया है, तो ऑटोमेटिकली चले जाएँगे। यहाँ पर हम लिखेंगे कि इशू डेट क्या है, वो कहते हैं शनाख्ती कार्ड की जो इशू डेट थी ना आपकी वो क्या है। तो यहाँ आपने अपने शनाख्ती कार्ड को देख लेना है, जो भी इशू डेट हो वो आपने लगा लेनी है। मेरी जो थी 15/9/2021 है, तो यहाँ पर मैं वहीं लगाऊंगा, सितंबर 15/2021। ये ओके हो गया जी, सबमिट कर देंगे। देखें आगे चला गया, आप वो आगे पूछ रहा है कि आपकी जो डेट ऑफ बर्थ वगैरह है वो किस इलाके की है, वो अब मैंने अपने इलाके का लगा दिया है। तो ऑटोमेटिक फिर ये आपको OTP भेज देगा उसी नंबर पर, ठीक है ना। तो आपने यहाँ अलाउ पर दूर दे देना है, फिर वो आप यहाँ कहते हैं कि आप अपना पिन कोड नया पुट करें, जो आप नया लगाना चाहते हैं। तो जो आप नया लगाना चाहते हैं यहाँ पर पुट कर देंगे, ऊपर भी वही होगा सेम, नीचे ये मैंने पिन कोड लगा लिया। अब मैं सबमिट कर रहा हूँ, ये सबमिट हो जाएगा इजली। ये देखिए ये अब मेरा अकाउंट ओपन भी डायरेक्ट हो गया है, वो बता रहा है कि 9 रुपये मेरे खड़े हुए हैं, ठीक है ना सब कुछ। तो अब इस अकाउंट से अगर आप यूपीआई से पैसे सेंड करेंगे, ट्रांसफ़र करेंगे, वो किस तरह करेंगे, वो इस तरह करेंगे, मनी ट्रांसफ़र पर जाएंगे आप, और उसके बाद मैंने इजी पैसा करना है तो कहाँ जाऊँगा, बैंक अकाउंट में जाऊँगा, उसके बाद मैं सर्च पर जाकर इजी पैसा सेलेक्ट कर लूँगा। इजी पैसा नहीं है यार, टेलनार लिख लेता हूँ। ये देखिए टेलनार माइक्रो फिनांस बैंक आ गया, यहाँ पर ओके करूँगा। तो यहाँ मैं अपना मोबाइल नंबर लिखूँगा, जो मेरा नंबर है इजी पैसे का, मैंने जहाँ पैसे भेजने हैं, मेरा नंबर ये है 0333-6060-1495। ठीक है, पैसे कितने भेजने, मेरे पास 9 रुपये खड़े हैं, मैं 9 रुपये भेजना चाहता हूँ, फिर ऐसे कुछ सेलेक्ट कर दूँगा, फिर सबमिट करूँगा। मैं जैसे सबमिट करूँगा वो मुझे डिटेल बताएगा, जो आपका अकाउंट है वो बता रहा है मोहम्मद वसीमला के नाम से है, क्या आप 9 रुपये भेजना चाहते हैं। तो मैं कन्फर्म पर क्लिक करूँगा कि जी मैं भेजना चाहता हूँ, वो मेरे अकाउंट में 9 रुपये चले गए हैं। ये देखें जी, इस तरह आप अपने अकाउंट जो यू पैसे का उसको ब्लॉक से खोल भी सकते हैं, वहाँ से पैसे निकाल भी सकते हैं।